नमस्ते दोस्तों, मैं राघविंद यादव आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल वाज टू लर्न एंड ग्रो में। आज मैं बताऊंगा आपको कि हीरो कनेक्ट में पार्ट इन्वेंटरी एडिशन कैसे करते हैं। तो मैं अपनी हीरो कनेक्ट की आईडी को लॉगिन कर रहा हूँ, मेरी हीरो कनेक्ट की विंडो ओपन हो गई है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हीरो कनेक्ट में पार्ट इन्वेंटरी एडिशन करने की आवश्यकता कब पड़ती है। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि पार्ट स्टॉक एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, जब कोई पार्ट स्टॉक एडजस्टमेंट में एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस कंडीशन में हम पार्ट इन्वेंटरी एडिशन करना पड़ता है। मतलब वो पार्ट्स जो आज तक कभी भी हमारी इन्वेंटरी में रिसीव नहीं हुआ है, उस पार्ट को हम पार्ट इन्वेंटरी एडिशन करते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए एक पार्ट ले लेता हूं, मैं स्प्लेंडर प्लस VES6 का की लॉक ले लेता हूं, की सेट ने इसको कॉपी कर लिया है। मैं अपनी हीरो कनेक्टिव विंडो में आ गया, फर्स्ट लेवल व्यूआर पे क्लिक किया, पार्ट स्टॉक एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट पे क्लिक किया। पार्ट स्टॉक एडजस्टमेंट पे सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने आपको पार्ट स्टॉक एडजस्टमेंट में पहले बताया था। तो मैं इसको न्यू करूंगा, यहां से न्यू करने के बाद पार्ट इन्वेंटरी लोकेशन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। ये देखिए यहां पे डीलर नाम आ रहा है और डीलर का कोड आ रहा है, मैं इसको ओके कर लूंगा। उसके बाद स्टॉक एडजस्ट रेफरेंस नंबर पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट्स में यहाँ नीचे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, न्यू विंडो ओपन हुई है, तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। जो पार्ट मैंने वहां पे कॉपी करा था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए मेरा पार्ट नंबर है जो मैंने वहां पे कॉपी किया था, अब मैं इसको यहाँ पे एंटर कर दूंगा। देखिए एंटर करते ही ये कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हुई है, इसका मतलब ये है कि ये पार्ट मेरी इन्वेंटरी में कभी रिसीव नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में मेरे को पार्ट इन्वेंटरी एडिशन करना होता है। तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल करने के बाद मैं फिर से फर्स्ट लेवल व्यूआर पे क्लिक करा और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पार्ट इन्वेंटरी एडिशन, मैं पार्ट इन्वेंटरी एडिशन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए पार्ट इन्वेंटरी एडिशन आ रहा है, इसके आगे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद इन्वेंटरी लोकेशन आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पे डीलर नेम आ गया है और डीलर का कोड आ गया, ओके आ रहा है, मैं यहाँ पे ओके कर लूंगा। ओके करने के बाद पार्ट लिस्ट के सामने यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, मैं न्यू करूंगा। न्यू करने के बाद नीचे यहाँ पे पार्ट नंबर मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे पार्ट नंबर डाल दूंगा जो पार्ट नंबर मैंने कॉपी किया था। देखिए मेरा पार्ट जो है यहाँ पे पार्ट नंबर मैंने डाल दिया है, मैं एंटर करूंगा। देखिए ये मांग रहा है क्वांटिटी, मेरे को यहाँ पे क्वांटिटी, मैं इसके यहां से ओके कर रहा हूं। लिख के आ रहा है क्वांटिटी इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, प्लीज एंटर अ वैल्यू फॉर द फील्ड। तो यहाँ पे क्वांटिटीज में क्वांटिटी डाल दूंगा, मान लीजिए मैंने एक पीस लिया है तो मैं यहाँ पे एक कर दूंगा। टैप करूंगा, आगे जाऊंगा रिमार्क्स में, रिमार्क्स में आपको कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड भर रहा हूँ, ऐड लिखने के बाद मुझे साइड से क्लिक करना है और कंट्रोल एस करना है। जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा यहाँ पे प्रोडक्ट एडिशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब मैं प्रोडक्ट एडिशन पे क्लिक करूंगा, ये मेरा पार्ट इन्वेंटरी में एड हो गया। अब मैं चेक करा देता हूँ, देखिए पार्ट स्टॉक एडजस्टमेंट में शो कर रहा है ये पार्ट की नहीं शो कर रहा है। ठीक है, मैं इस पार्ट नंबर को यहां से मैंने कॉपी कर लिया है, दोबारा मैं पार्ट स्टॉक एडजस्टमेंट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए अभी मैंने ये स्टॉक एडजस्टमेंट डिफरेंस नंबर खोला था, मैं इस पर क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, मैं न्यू करूंगा और यहाँ पे पार्ट नंबर डाल के एंटर करूंगा। देखिए मेरा यहाँ पे पार्ट नंबर आ रहा है, आ गया है। देखिए यहाँ पे दो चीजें होती है, एक गुड आता है एक डैमेज आता है, तो मेरे को पार्ट स्टॉक एडजस्टमेंट करते समय हमेशा ध्यान रखना है, मेरे को हमेशा गुड को ही
सेलेक्ट करना। अब मैं यहाँ पे देखिए एक आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे दो करना चाहूंगा तो मैं दो कर लूंगा। ओके दोस्तों, दोस्तों अगर आपको पार्ट स्टॉक असिस्टेंट के बारे में या पार्ट इन्वेंटर्स के बारे में कुछ भी पूछना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप पार्ट इन्वेंटरी एडिशन कोई भी पार्ट अपनी इन्वेंटरी में ऐड कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।